अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन एक घंटे का मौन कभी नहीं रखो। उत्तराखंड की राजनीति और राजनीति के केंद्र में घाटी नेता भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड में रहे तब भी, दिल्ली रहे तब भी, महाराष्ट्र रहे तब भी, सियासत का उत्तराखंड का कोई ऐसा अध्याय नहीं जो भगत सिंह कोश्यारी के बिना पूरा हो जाए। क्या कोश्यारी वाकई में सक्रिय राजनीति से दूर रहने की इच्छा जो जाहिर कर रहे हैं वो कर पाएंगे? सक्रिय राजनीति और कोश्यारी। कोश्यारी कहते हैं कि जिस संकल्प के साथ राजनीति में आए थे उस संकल्प को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले, क्योंकि लंबी कतार है, क्या उन्हें चाहकर भी राजनीति से दूर रख पाएंगे? और विपक्ष वेट एंड वॉच देख रहा है, भगत सिंह कोश्यारी आए हैं, भगत सिंह कोश्यारी रिटर्न्स। अब उत्तराखंड की सियासत किस करवट लेती है, क्योंकि कोश्यारी खुद चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन उनके चाहने वाले चाहते हैं क्या वो वाकई में राजनीति से दूर रहें? ये एक यक्ष प्रश्न है। और राजनीति में अगर कोश्यारी सक्रिय अलग अंदाज से हुए तो बीजेपी उत्तराखंड की सूरत और सीरत क्या होगी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देखिए, वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन एक घंटे का मौन कभी नहीं रखो। जब से कोश्यारी महाराष्ट्र से उत्तराखंड वापस आए हैं तब से उनकी उत्तराखंड में राजनीति में भूमिका को लेकर किस्से और कहानी सियासी गलियारों में गूंज रही थी। सवाल यही था कि भगत का अगला कदम क्या होगा। वैसे तो उत्तराखंड में नेताओं की एक ऐसी कतार बनती हुई नजर आ रही है जो सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात तो करते हैं लेकिन दूर नहीं रह पाते, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दबाव में फिर से राजनीति करते रहते हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी सक्रिय राजनीति से दूर रहने की बात करते हैं लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। और बीजेपी में भी पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की यही राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, मेरा काम समाधान का है, मेरा काम सृजन का है, मेरा काम विस्फोट का नहीं है, इसलिए आप मेरे से किसी विस्फोट की संभावना छोड़ो। वैसे ही हम विस्फोटों से परेशान है, कहाँ जो सिमट का इधर कहाँ उधर परेशानी हो रही है, तो इसलिए किसी विस्फोट की कोई संभावना नहीं। भगत सिंह कोश्यारी इसी राजनीतिक संकल्प को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कोश्यारी अब उम्र के उस पड़ाव पर है उन्हें मालूम है कि पार्टी में किस फॉर्मूले पर चलने का काम किया जाता है। ऐसे में उन्होंने सही राह चुनी है और सक्रिय राजनीति से दूर रहकर राज्य की सेवा करने का मन बनाया है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस आप भी यही मानकर चल रही है कि भगत सिंह कोश्यारी का जैसा कार्यकाल पूर्ण आ रहा है और उन्होंने जो काम उत्तराखंड की राजनीति में किए हैं ऐसे में वो सक्रिय राजनीति से दूर नहीं रह पाएंगे और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कि पार्टी का जहाँ तक सवाल है, पार्टी में जो हमारे एक अपना सिस्टम है तो इसमें सिस्टम में जो एक निर्णय सामूहिक तौर पर होते हैं उसको सब लोग मान के चलते हैं। किसी की व्यक्तिगत भावना का यहाँ पर उस रूप में नहीं लिया जाता, एक सामूहिक निर्णय होता है जो बड़े परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है, तो वो बात अलग है, भावना किसकी क्या है। लेकिन जो कोश्यारी जी ने कहा है मैं उसका अधिक महत्व देता हूँ और जो उनकी भावना वो भी अपने आप में स्वागत योग्य है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की राजनीति को जो है कोश्यारी जी ने बहुत बड़े रूप से प्रभावित किया है और यहाँ से उन्होंने राजनेताओं को घर बिठाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार हर उठा पटक के पीछे भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम लिया जाता है और आज तक जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी जी की अहम भूमिका है। उत्तराखंड में यूं तो नेताओं की कमी नहीं,
लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के आने के बाद सीनियर नेताओं की सूची में एक और नाम जुड़ गया है, और ये नाम ऐसा है जो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए भी मिस्ट्री बना हुआ है। क्या आखिर उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो सक्रिय राजनीति से दूर रह पाएंगे? देहरादून से अभय केतुरा, इंडिया वॉइस। तो किस्सा कोश्यारी का और उत्तराखंड की सियासत का हर किस्सा भगत सिंह कोश्यारी से जुड़ा हुआ है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। रविंद्र आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ हनी पाठक इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि बीजेपी का चेहरा है। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रविंद्र आनंद जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। जरा कोश्यारी जी चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति से दूर चले जाए, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या उनके लिए इतना आसान हो पाएगा? देखिए, इस पर जो हमारा सोचना है और कहना है, कहीं ना कहीं कोश्यारी जी जो पिछले दिनों जो बयानबाजी हुई जब वो गवर्नर रहे, उस दौरान कुछ बात ऐसी थी जिस बात को पार्टी पचा नहीं, और कहीं ना रविंद्र जी आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रविंद्र जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। कोशिश करते हैं रविंद्र जी दोबारा जुड़ने से, आपके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियासत में कई सवाल हैं और कई अध्याय हैं, और उन्हीं सवालों में कोश्यारी का सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत को जानने और समझने वाले इस बात को बाखूबी जानते हैं कि नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री और अब पुष्कर सिंह धामी, इन 22 सालों में जो जो मुख्यमंत्री बना, अधिकतर उसमें कोश्यारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहां तक कि कांग्रेस के घर से भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनने बनाने और सियासी गणित बनाने और बिगाड़ने में भी कोश्यारी जी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती रही। इस वक्त हनी पाठक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। हनी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिलक जी। हनी जी, कोश्यारी जी का राजनीतिक नजरिए से जो कद है उसे उत्तराखंड नहीं पूरा देश जानता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसे किस नजरिए से देखें? देखिए, ऐसा है, वो उनका अपना नजरिया है। आदमी की व्यक्तिगत सोच होती है, हर इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत सोच होती है। हमारे श्री आदरणीय महामहिम जो रह चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी जी की भी अपनी एक सोच है, उनका एक अपना तजुर्बा है, एक अपनी शख्सियत है। उन्होंने अगर कहा है कि मैं राजनीति में प्रमुखता के साथ नहीं रहना चाहता हूं, तो वो उनकी एक अपनी सोच है, अपनी एक प्रमुखता से उनका एक अपने विचार है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं संगठन के, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीखते रहते हैं, तो उनके तजुर्बे को हम लोग लेते रहेंगे और जो उनकी शख्सियत है उससे काफी कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा और उत्तराखंड को भी आगे, उत्तराखंड का दशक आगे, विकास का दशक जो लेते हुए लोग चल रहे हैं उसमें उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान हम लोगों को मिलेगा, एक नजरिया मिलेगा। काफी कुछ हम लोगों को वर्तमान का दशक देखने को मिल रहा है और देखने को मिलता रहेगा, तो उसमें कोश्यारी जी की एक अहम भूमिका भी हम लोगों को मिलेगी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि विपक्ष इस चीज से बार बार, अभी मैं जब से देख रही हूँ कि कोश्यारी जी ने जब से इस्तीफा दिया है अपना और महाराष्ट्र से जब से वो यहाँ पर आए हैं, तब से लेके अब तक का जो भी समय रहा है उसमें विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इनको खुद के अपने लोगों पर विश्वास नहीं रहा है जो इनको कोश्यारी जी से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं है कोश्यारी जी से, मैं क्योंकि अभी विपक्ष पे जा ही नहीं रहा। देखिए सिर्फ आप
तिलक जी एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे। मैं फेसबुक वगैरह भी देखती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे विपक्ष की काफी फेसबुक लाइव देखने को मिल रही है जिसमें कि वो ये कहते दिखाई दे रहे कोश्यारी जी आएंगे, धामी जी जाएंगे, इस तरीके की काफी चीजें लाइव में भी मैंने देखी है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो अपनी अंदरूनी कलह को पहले निपटा ले, उसके बाद हमारे संगठन को देखे। जैसे कि अभी वर्तमान में AICC की लिस्ट सामने आई जिसमें आप इतना ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। दरअसल वो कसूर कांग्रेस का नहीं है जी, जो राजनीतिक इतिहास है ना उत्तराखंड का, उसमें कोश्यारी जी की सियासी होशियारी के कई किस्से हैं। देखिए ऐसा है तिलक जी, हनी जी, राजनीतिक होशियारी और राजनीतिक तजुर्बा बहुत ज्यादा जरूरी है एक नहीं, बहुत अच्छी बात है। कौन मना कर रहा है चलाने में मैडम, कौन मना कर रहा है? मैं तो मान रहा हूँ उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़े चेहरों में से एक कोश्यारी जी हैं, और उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, कोई ऐसा अध्याय नहीं है जो कोश्यारी जी के बिना पूरा हो जाए, है ना? तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अब कोश्यारी जी कह रहे सक्रिय राजनीति से दूर, ठीक, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं, उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूं, लेकिन उनके चाहने वाले कहते थे कसम होगी हमारी, कसम होगी हमारी तेंदुलकर जी, आप राजनीति से संन्यास, क्रिकेट से संन्यास मत लेना, क्रिकेट के भगवान हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में कई उनके चाहने वाले कोश्यारी जी के, कोश्यारी जी के चाहने वाले कह रहे हैं कि नहीं कोश्यारी जी आप चले गए राजनीति से दूर तो हमारा क्या होगा, समझ रहे हनी जी? कोश्यारी जी चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उनके चाहने वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। आ गया सवाल तिलक जी। जी मैं एक अभी छोटी उम्र में प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि मुझे भी इस तरीके का दिशा निर्देश और समझाने वाला व्यक्तित्व मिले, जो कोश्यारी जी जैसा व्यक्तित्व हो और जो धामी जी जैसा व्यक्तित्व हो, और जो मुझे समझाए, मुझे अवलोकन करे, मार्गदर्शन करे, दिशा निर्देश दे। तो हमें भी और हमारे जैसे और भी चाहने वाले हैं राजनीति में, जो चाहेंगे कि कोश्यारी जी हमें अपना मार्गदर्शन दे, तो मार्गदर्शन लेने के लिए हमें कोश्यारी जी जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद मिले तो अच्छी बात, इसमें किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आप बहुत होशियार प्रवक्ता हैं जी, आप बहुत होशियार प्रवक्ता हैं, और उत्तराखंड बीजेपी में ऐसे होशियार प्रवक्ताओं की जरूरत भी है। खैर रविंद्र आनंद जी, सुना आपने हनी जी बात करी, और मैं एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट विपक्ष को देना चाहूंगी कि इनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, और मुझे तो कमाल ये होता है कि इनको फिर भी यकीन नहीं है। सोचिए अभी कोश्यारी जी आए हैं और इतनी सियासत जो है सवालों के इर्द गिर्द, ठीक, और अगर कोश्यारी जी सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए तब इनका क्या होगा, मैं तो सोच के ही अभी इनका तो छोड़िए, आपका है, आपका क्या होगा जनाब आली? हमारा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, तभी ना मैं आज तिलक जी के सामने बैठ के डिबेट में हिस्सा ले रही हूँ। रविंद्र जी, सुना आपने हनी जी बात करी? हाँ मैं सुन रहा हूँ। देखिए चावला जी, भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड के XCM रहे और बहुत कद्दावर नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से भी और वैसे भी उनका सम्मान करता हूं, और लेकिन मुझे एक बात का दुख है जिस ओर आपका और हनी जी का ध्यान नहीं गया कि भगत सिंह कोश्यारी आए नहीं है, उन्हें वापस फेंका गया है, उन्हें वापस भेजा गया है, उनके बड़बोलेपन से उनको वापस भेजा गया है। हनी जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुपा, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आप अपनी वाचालता का प्रमाण मत दीजिए मुझे, आप अपनी वचालता का प्रमाण मुझे मत दीजिए, आप सुनिए पहले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से भगत सिंह कोश्यारी रविंद्र जी, एक हनी जी, हनी जी प्लीज, रविंद्र जी, रविंद्र जी एक मिनट, हनी जी प्लीज एक मिनट, रविंद्र जी आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसे शब्दों का चयन ना करें जो आपके ऊपर भी सूट नहीं करते हैं। वापिस भेजा गया और वापिस फेंका गया, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज करे क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं उनके प्रति बहुत सम्मान रखता हूं, और ये रविंद्र आनंद प्रवक्ता का बयान नहीं है, ये रविंद्र आनंद एक उत्तराखंड वासी, एक नागरिक का बयान है कि अगर हमारे किसी
अच्छे नेता को उत्तराखंड वापस भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का दुख भी है कि जो हुआ उनके साथ उसकी पीड़ा को मैं समझता हूं, और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन्हें वापस भेजा गया वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, उत्तराखंड का अपमान है। और ये जो अपमान बड़ा हुआ है, बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं वो सक्रिय राजनीति से दूर, वो महाराष्ट्र में है, लेकिन उसके बावजूद वो महाराष्ट्र से ही पूरे उत्तराखंड को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं उनकी तो चली तभी धामी जी मुख्यमंत्री बने, अब फिर आप कह रहे हैं कि नहीं देखिए उनकी चल नहीं रही उनको वापस भेज दिया। ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती है ना रविंद्र जी। देखो दो चीज हुई है चावला जी, देखो दो चीज हुई है जो पिछले दिनों भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा जो महिलाओं को लेके बयान दिए गए और जो इस प्रकार के उनके बयान आए, ये उसका परिणाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज दिमाग से काम करती है, वो कभी भी एकदम से इनिशिएटिव नहीं लेती, ठंडा करके खाती है और उसके रिएक्शन अब आ रहे हैं। जब जो चीजें पहले हुई महाराष्ट्र में आपने सब देखा, जिस प्रकार से सरकार गिराने का काम किया कोश्यारी जी ने, जिस प्रकार से चलती हुई सरकार को कैसे गिराया जाए इसका षड्यंत्र रचा उन्होंने, ये उसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है कि देखिए दो चीजें हैं, अगर मैं सियासी व्यक्ति होने के नाते कहूं तो जो बात मैंने कही वो है, और अगर हम उत्तराखंड वासी होने के नाते कहूं तो मुझे मेरे लिए दुख की बात है कि उन्हें उस पद से हटा करके वापस भेजा गया। हटा कर चावला जी? जी हटाया गया उन्हें जी। अच्छा, बिल्कुल। ये इंटरनली जानकारी आपके पास आई कहां से, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसी खबर नहीं थी। देखिए चावला जी ऐसा है ना, अब जब जो आदमी सक्रिय राजनीति में होता है तो वो सब चीजें देखता है ना कि क्या कैसे किसको कहां हटाया जा रहा, किसको कहां लगाया जा रहा। देखिए हमारा तो यही काम है। तो आपके पास ये इनपुट आया, बीजेपी नेताओं ने बताया आपको? नहीं, बीजेपी नेता हमें क्यों बताएंगे, लेकिन हम भी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं तो फिर मतलब ये कहानी कहां आपने गढ़ी? कहानी नहीं है सर, ये सच्चाई है। अच्छा, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। हाँ। और ये भारतीय जनता पार्टी कोश्यारी जी ने बताया आपको? मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये सब नेता भी जानते हैं लेकिन कोई कहना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि उनको हटाया गया है, उनको वो उनकी कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति खत्म नहीं करता। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा जो सवाल रविंद्र आनंद जी ने उठाया कि उनके आने से अब बदलाव क्या होगा बीजेपी की राजनीति में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। देखिए वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन एक घंटे का मौन कभी नहीं रखो। देखिए वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन एक घंटे का मौन कभी नहीं रखो। तो लखपत बड़ोला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सीधा रुक करें लखपत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तिलक जी, अपना रविंद्र आनंद की बात का जवाब दो। मैं एक मिनट हनी जी। लखपत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा। हनी जी अपनी बात रखिए। तिलक जी अभी वो कह रहे हैं आए नहीं है, उनको भेजा गया है। हाँ, मैंने उनकी बात थोड़ी बहुत सुन ली थी। अभी इन्होंने तीन बातें कही कि वो आए नहीं, उनको फेंका गया, भेजा गया नहीं, फेंका गया शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। और दूसरा उन्होंने बोला कि मैं एक सक्रिय राजनीति में हूँ तो मुझे सारी जानकारी है। तो इनको निश्चित रूप से भविष्यवर्ती रविन्द्र आनंद जी कहना, ज्योतिर्विद रविन्द्र आनंद जी कहना निश्चित रूप से लाजमी है, क्योंकि जो बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता को नहीं पता है वो आम आदमी पार्टी के ज्योतिर्विद रविंद्र आनंद जी को पता है।
तो बिल्कुल इनको ज्यादा जानकारी, और मतलब ये आम आदमी पार्टी से ज्यादा खुफिया जानकारी भाजपा में घुसे हुए रहते लेते हुए हैं, तो ये श्रेय इनको देना जरूरी है। दूसरा, सिर्फ कहते सक्रिय राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूँ, लेट मी कंप्लीट तिलक जी, ये कहते हैं सक्रिय राजनीति में मैं सक्रिय रहता हूँ, अगर ये इतना ही सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो कैंट विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़े थे लेकिन जनता ने इनको हाथ जोड़ दिया था। ये इतने सक्रिय राजनेता है कि जनता ने इन पर विश्वास नहीं रखा था। ये कौन कहां चुनाव कोश्यारी जी पर रहिए, अब मैं आप ही की बात, लखपत जी भी जुड़ गए हैं, लखपत जी भी जुड़ गए, एक छोटा सा सवाल, हनी जी लड़ने का कोई फायदा नहीं, वक्त बहुत कम है, यानी मैं आप ही की बात मान लूं, कोश्यारी जी देखा गया, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये सक्रिय राजनेता नहीं है। एक मिनट हो गया, हनी जी शब्दों का चयन जब ये, हनी जी मैंने उनको बोल दिया शब्दों का चयन, ओके, यानी ये मानूं कोश्यारी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया आप लोगों ने? हम लोगों ने किसी भी मंडल में उनको नहीं डाला है, वो हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे वो जाएंगे, अपना आशीर्वाद जहां हम लोगों को देना होगा वो देंगे, और जहां हमें उनकी राय लेनी होगी हम लेंगे, वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता है और हम उनसे जो भी करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन ये है वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, विपक्ष को मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी तकलीफ होनी चाहिए, और विपक्ष का ये सियासी ड्रामा देख के मुझे जरूर ये लगता है कि उनके पेट में दर्द जरूर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्तंभ और मिल गया है जिससे कि पेट में दर्द इनको होना लाजमी है, तो पुदी नारा की टेबलेट अवश्य लेके जाइए। ओके लखपत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपने तो मुझे 5-25 से बिठा रखा है सर, लेकिन पूछना नहीं सवाल तो सर, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत थी सर, मैं आप जानते नहीं मेरा स्वभाव ऐसे है, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, गलती हो गई आज हमसे। मैं आपसे ये कह रहा था लखपत जी कि कोश्यारी जी के आने के बाद आपको क्या, आपका अनुभव, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा है राजनीति का, कुछ बदलने वाला है क्या वाकई में? देखिए उत्तराखंड के, न केवल भाजपा के, उत्तराखंड के कोश्यारी जी बहुत ही सम्मानित और बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि भाजपा में उनका प्रभाव भी है, उत्तराखंड में उनका प्रभाव है, और जिस तरह से चाहे माननीय त्रिवेंद्र जी हो, चाहे माननीय धानी जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं। हेलो, एक किरदार और छूट गया सर, निशंक जी छूट गए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आवाज आ रही? जी जी लखपत जी, मैंने कहा निशंक जी छूट गए। जी मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने निश्चित रूप से, लेकिन दुखद बात यह है कि जिस तरह से माने निशंक जी को केंद्रीय मंत्री बनाते हुए हटा दिया, कोश्यारी जी को राज्यपाल बनाते हुए हटाया है, ये बहुत दुखद घटना व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा में भूचाल रहेगा, क्योंकि कोश्यारी जी का कौन सा पासा चल जाए और तब किसको और मास के खेल में किसको ऊपर कर दे किसको नीचे दे, उनमें निश्चित रूप से वो गुण है, वो बहुत बड़ी कूटनीतियां हैं, पार्टी में बड़ी उनकी मजबूत पकड़ है संगठन में, और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की आपने कहा कि केंद्र ने उनका अपमान किया, थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। मैंने अपमान नहीं कहा, मैंने कहा है जिस तरह से कोश्यारी जी को और निशंक जी को पूरा उनका कार्यकाल नहीं होने दिया गया। लखपत जी आपके सरकार में, यानी कि यूपीए सरकार में किस किस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था? हरीश रावत जी केंद्रीय मंत्री थे हमारे यहाँ, नहीं, हरीश रावत जी को छोड़ के जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे ना, केंद्रीय मंत्री रहे हो, अच्छा उसके बाद जी, अब उसके बाद सरकार ही नहीं रही हमारी, उसके बाद तो भाजपा आ गई। लखपत जी लेकिन मैं ये समझ रहे हैं ना, मसला अजय भट्ट, खंडूरी, निशंक, कोश्यारी, ये ऐसा नहीं है कि फेहरिस्त बोल दिया वही हो गया, आप जानते हैं कि फेहरिस्त कहां कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। अभी एक अपडेट और है कि केंद्र में एक और मंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के, अब कौन चेहरे वो सबको मालूम चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि खबर यही है कि एक चेहरे और मंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। ये भी वही कह रहे हैं कि कोश्यारी जी की बात सुन के उनको पीड़ा हुई कि उनको उनको मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है उत्तराखंड भेज दिया गया।
पीड़ा काश ये अपने ऊपर किए होते, जो प्रीतम सिंह जी की पीड़ा निकल कर आ रही है, हरदा की पीड़ा निकल कर आ रही है, एआईसीसी में वहां से उन लोगों को इग्नोर करके उनकी पीड़ा निकल कर आ रही है, काश ये पीड़ा अपने ऊपर किए होते। हाथ जोड़ो, जनता ने इनसे हाथ जोड़ दिया, काश ये पीड़ा अपने ऊपर किए होते, क्योंकि अंदरूनी कला तो इनकी यही दिखाई दे रही है। हम लोगों ने तो स्वागत किया है बाएं पसार के अपने नेता का और करते रहेंगे। रविंद्र आनंद जी, इन लोगों ने रविंद्र जी जी हनी जी कह रहे हैं कि कम से कम मर्यादा रखिए शब्दों में, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप एक राज्यपाल रहे व्यक्तित्व को आप इस तरह से कह रहे हैं कि उनको फेंक दिया गया, ठीक नहीं है। देखिए मैं, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि जो उनको वापस भेजा गया, मैंने उनके लिए ये भी कहा कि वो इस प्रदेश के पूर्व सीएम है, मैंने उनके लिए ये भी कहा कि मैं उनका पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो घटनाएं हुई, जो महिलाओं को लेकर के उनकी बयानबाजी हुई, 10 सेकंड आपके लिए, क्योंकि माफी चाह रहा हूँ क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, ये कह रहे हैं कि हरीश रावत के साथ तो हूं लेकिन एक दिन का मौन नहीं रखूंगा, मतलब समझ रहे हैं ना कोश्यारी जी कहां इशारा कर रहे हैं? जी निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि कोश्यारी जी बहुत अनुभवी, बहुत चातुर राजनेता है और वो शांत बैठने वाले नहीं, यदि उनके हिसाब से उत्तराखंड में भाजपा का गोटिया ठीक नहीं होंगे तो वो निश्चित रूप से कोई बड़ा भूमिका ला सकते, ये मैं समझता हूँ व्यक्तिगत उम्मीद है आपको अभी भी। खैर ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक किस्सा अपना अनुभव जो है उनके साथ, कोश्यारी जी के साथ एक किस्सा था, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा वरना बताता कि मसला है क्या, क्योंकि कहानी डीएनए की भी है, कभी एक जिक्र किया था उन्होंने। खैर छोड़िए आप, वो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए वो कोई भी अच्छा काम करेंगे उनके साथ दूंगा, लेकिन एक घंटे का मौन कभी नहीं रखूंगा।